पाठ 23 पखंड छिपया नहीं रह सकता। इस एकांगी विच लेख ने दसिया है कि कोई किन्ने पेस वटा लवे आखिर सच सामने आ ही जांदा है। इस एकांगी दा साई जो एक व्यापारी दा माल हड़प कर लेंदा है ते साई तो पंडित बन जांदा है आखिर पेट खोलन ते सजा पाउंदा है। एक राजे दा दरबार। राजा अपने तख्त उत्ते बैठा है, उस दे पिछे सेवादार खड़ा है ते उस नु पखा चल रहा है। राजे दे अगे उस दा एक मंत्री बैठा है, इंसाफ मंगन वाले कदी बाहर लटकाई घंटी खड़कदी है। सरकार घंटी वजी है, शायद कोई फरियादी आया है। लगदा था यो ही है, बुलाओ उसनु। बहुत अच्छा हजूर, एक सेवादार बारो आंदा है। हजूर एक व्यापारी ने घंटी बजाई है, वो बेनती करना चाहता है। बुलाओ उसनु। अच्छा हजूर, घंटी तो बजाई है। जी हजूर, की गल है? माई बाप, मैं आप जी दे नाल लगदे प्रांत विच रहंदा सा। ओथों दा राजा बड़ा वड्डी खोर है, ओथों दे कर्मचारी बहुत खराब हन, मैनू बहुत तंग करदे सन, मेरे हर सौदे विच अपना हिस्सा मांगदे सन। जिवें जिवें मैं उन्हां नूं देई गया, उन्हां दी भुख होर वधदी गई, मैं बहुत तंग पै गया। मैं ओ देश छड्डन दा फैसला कर लिया। उस राजे दा हुक्म है कि उस दे राज विचों कोई अपनी चीज बाहर नहीं ले जा सकदा। ए तां बहुत वधी की है, अपनी चीज जिथे कोई मर्जी लेके जावे। राजे दा इस विच दखल देना शोभदा नहीं। फिर मैनूं कोई राह ना लब्भा, अंत मैं उत्थों दे इक प्रसिद्ध साई नूं मिलिया। उस दा नाम कोई नहीं सी जानदा, ओ बड़ा धर्मी बंदा सी। उस कोल बहुत सुंदर घोड़ा सी, घोड़े उत्ते ही ओ मंदिरां अते तीर्थां दी यात्रा करिया करदा सी। मैं उस नूं बेनती कीती। तू उस नूं की कहा? मैं उस नूं कहा, साई जी, आप जी नूं किसे ने नहीं रोकना, तुसी मेरा कीमती समान इथों लागले देश पहुंचा दियो, मैं तुहानूं 100 मोहरां देंगा। ओ मन गया। मैं अपना सारा सोना, हीरे, मोहरां ते सब गहने उस नूं दे दित्ते। की ओ इत्थे लैके आ गया है? जी, ओ सब कुछ इत्थे लैके आ गया है, पर हुण ओ मुकर गया है। साई भी मुकर जांदे ने? जी, उसने मेरे नाल ठगी कीती है। किवें? उसने अपना सिर मुंह मना लिया है, सिर ते बोधी रख ली है ते हिंदू पंडित दा रूप धार लिया है। मैं उस नूं 10 दिनां तो लभ रहा सा, अज कुदरती मैं उस नूं ही साई बारे पुछ बैठा। उस क्या, मैं ता जानदा नहीं, पर मैं उस नूं पछाण लिया। तू किवें पछाण लिया? जी, उस नूं अपने सिर ते एवे हाथ फेरन दी आदत सी, ओ जद भी गल करदा सी ता अपने सिर उत्ते हाथ फेरदा सी। अज भी ओ गल्लां करन समय अपने सिर ते हाथ फेरी जा रहा सी। उस दी इस हरकत तो मैं उस नूं पछाण लिया, पर ओ मानदा नहीं। हुजूर, मेरी सहायता करो। मंत्री जी, सेवादार नूं भेज के उस पंडित नूं बुलाओ। बहुत अच्छा जी, हुक्म हुजूर। पंडित नूं बुलाओ। जी, केड़े पंडित नूं? इस व्यापारी नूं नाल ले जाओ, जिस नूं ए कहे उस नूं दरबार विच हाजिर करो। आओ श्रीमान जी। मंत्री जी, सुनिया, जे साईयां दा ए हाल है तां देश दा की बनेगा? जी, एहो जिहे साई नूं तां बहुत सख्त दंड देना चाहिदा है। ओ चोर भी है, धोखेबाज भी है ते मित्र द्रोही भी है। मेरा भी एहो विचार है, इस नूं सख्त दंड दिता जावे। किन्ना अनर्थ है कि ये पैसे दी खातर अपना धर्म भी बदल लैंदे ने। हुजूर, आ गया है पंडित। हाजिर करो। बहुत अच्छा जी। पंडित जी, यह व्यापारी दा कहना है कि इस ने तुहानू काफी सारा धन इत्थे लाउण लई दित्ता सी। हुजूर, ए तां मैनूं मिलिया ही नहीं, ए मेरे ते एवें शक करदा है। इसने अपना माल किसे मुसलमान साई नूं दित्ता सी, मैनूं नहीं, मैं तां पंडित हां। अच्छा, तुसी नहीं लिया इस दा धन? बिल्कुल नहीं जी, मैं तां इस नूं जानदा भी नहीं। तां भाई, तू की कहना चाहना है? हुजूर, मैं इस नूं अपना सारा धन दित्ता सी, इसने इत्थे आके अपने वाल कटा के रूप बना लिया है। एहो साई है जिस नूं मैं अपना माल दित्ता सी। देखो जी, ए मेरे उत्ते एवें दूषण ला रहा है, ए झूठ बोल रहा है, एक पंडित दी बेइज्जती कर रहा है। हाँ भाई, तैनूं भुलेखा ते नहीं लगा? जी बिल्कुल नहीं, एहो साई है, इसे नूं ही मैं धन दित्ता सी। तुसी झूठे हो, एहो साई नहीं जिस नूं तुसी अपना माल दित्ता सी, इसलिए तुहानू 20 मोहरां झूठ बोलन दा दंड लाया जांदा है। जाओ, खजाने विच मोहरा जमा कराओ। हुजूर, ए बेइंसाफी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एहो साई है, अगे आप दा जो हुक्म। साडा इंसाफ बिल्कुल ठीक है, जाओ मोहरा जमा कराओ। जाओ पंडित जी, इस मूर्ख ने एवें तुहाडे उत्ते शक कीता है। महाराज, आप जी दे न्याय दिया था तुम्मा पईयां होईयां हन, पर अज तां जाओ, न्याय ओ नहीं जेड़ा तुहानू ठीक लगदा है, न्याय ओ ठीक है जिहड़ा असीं सियाणप नाल कीता है। जाओ मोहरा जमा कराओ। जी, ए जिवें तुहाडे न्याय ते शक कर रहा है, एवें ही ए मेरे उत्ते शक करदा है। साईं जी, साईं जी,
मेरी गल तां जरा सुनियो। दसो हुजूर की हुक्म है? तुसी साईं हो, तुसी साईं दी आवाज नाल मुड़ायो, इसलिए तुसी साईं ही हो। तुसी झूठे हो, तुसी चोर हो, तुसी पखंडी हो, तुहानू हुणे कैद कीता जांदा है। मैं एहो जिहे पखंडी आदमी नूं खेमा नहीं कर सकता। सेवादार मुकदम नूं बुलाओ। जी बहुत अच्छा जी, मैं निर्दोष हां। चुप रहो। महाराज सचमुच तन है आपदा इंसाफ, आप सचमुच ही महान। हुक्म हजूर। इस पंडित नूं ले जाओ, इस दे घर दी तलाशी लेके इस दा सारा माल इत्थे दरबार विच लाओ। इस तों बाद इस नूं जेल विच सुट दियो। बहुत अच्छा हजूर। हुणे करो ए सब कुछ।